यू बाय इंडिपेंडेंस, कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। पंद्रह अगस्त और रक्षाबंधन के साथ में दूसरे त्योहार आने वाले हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ दिल्ली के सदर बाजार मार्केट में, जहाँ पे व्यापारी कूड़े के ढेर से यहाँ पे परेशान है। हर जगह कूड़ा ही कूड़ा, आप देख सकते हैं रस्ते पे पूरा कूड़े दान बना हुआ है, कूड़े पे व्यापार हो रहा है। यहाँ पे लोग परेशान है, स्मेल है, बदबू है, हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है और कूड़े के ढेर से लोग परेशान है। इतना ही नहीं, लोग बीमार भी हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कूड़े की वजह से लंबा जाम लग जाता है रोड पे। इस वक्त कुतुब रोड पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी लंबी जाम लगा हुआ है और यहाँ पे व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया है व्यापारियों के लिए। हमारे साथ सदर बाजार फेडरेशन एसोसिएशन के चेयरपर्सन है, आइए इनसे बात करते हैं। सर क्या कंडीशन है इस समय? देखिए कंडीशन बहुत ही खराब है। लगातार फेडरेशन ने दो बारी प्रदर्शन किए, चक्का जाम किया, मगर कोई भी एमसीडी या दिल्ली जल बोर्ड सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर हालात ये हो चुके हैं कि मार्केटों में इतना कूड़ा हो चुका है, इन्होंने लगता है राजेंद्र नगर हादसे से अभी तक सबक नहीं लिया है। जहाँ वहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये भी इंतजार कर रहे हैं कि सदर बाजार में भी कोई बड़ा हादसा हो तभी यहाँ पर हम कार्रवाई करेंगे। जिस प्रकार आप देख रहे हैं सड़कों पे कूड़ा ही कूड़ा है, यहाँ पर निकलना मुश्किल है। इसके कारण आए दिन सड़कों पे पानी जमा हो जाता है, जरा सी बारिश आती है दुकानों के अंदर पानी चला जाता है, हमारा लाखों रुपए का नुकसान चला जाता है। जबकि फेडरेशन ने कल एक तिरंगा यात्रा निकाली, वो उसमें सबसे बड़ा हमने जो संदेश दिया वो स्वच्छ भारत का दिया, जो हमारे प्रधानमंत्री का भी एक नारा है, उसको देना पड़ा कि इस प्रकार के हालात सदर बाजार में बन चुके हैं कि हमें हर चीज में ये रखना पड़ रहा है कि हम किस प्रकार यहाँ पर अपने आप को सेफ समझे, बीमारियों से दूर जाए। यहाँ पर लोगों को इतनी बीमारियां होती जा रही है, आने वाले समय में जो लोग हैं ये सड़कों पर उतरने को तैयार है। अब हमारा एक ही लक्ष्य रह गया है कि हम लोग अपनी दुकानें बंद करके धरना प्रदर्शन करें और चाबी एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड को दे, क्योंकि जिस प्रकार के आप देख रहे हैं ये कूड़े के कारण ट्रैफिक जाम भी हो जाता है, यहाँ पर आपराधिक वारदातें भी होती है और भी कई दिक्कतें आती है। एमसीडी के सभी अधिकारियों से हमारी बैठक हो चुकी है, उन्हें आश्वासन दिया था कि हम लोग जल्द से जल्द जो नालियां भरी हुई हैं, जो सीवर लाइन भरी हुई हैं, जो कूड़े की प्रॉब्लम है वो हल करेंगे, मगर खाना पूर्ति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, सड़कों पे कूड़ा वही का वही है। खाना पूर्ति हो रहा है इनका कहना है। हमारे साथ कुछ और व्यापारी हैं यहाँ सदर बाजार के, सब नाम बताएंगे। मेरा नाम कमल कुमार है, फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन का मैं महासचिव हूँ। कमल जी इतनी कठिनाइयां होती है यहाँ पे कूड़े को लेकर? कठिनाई का अगर बोले तो कठिनाई की पराकाष्ठा है जी। यहाँ पे इतना कूड़ा, इतना गंदगी की आत्मा की अंदर से जो आत्मा विचलित हो जाती है। यहाँ पे इतनी बदबू और इतना कूड़ा है, इतनी गंदगी होने की वजह से पहले तो यहाँ ग्राहक ही नहीं आता था। अब विडम्बना ये देखिए कि जो दुकानदार हैं, जो हमारी जो आगे की जनरेशन है, वो गंदगी और गंदे माहौल की वजह से सदर बाजार में आने को तैयार नहीं है। प्रशासन ठीक से हमारी बात सुनता नहीं है। खाना पूर्ति करने के लिए सफाई कर दी जाती है, 10% सफाई होती है तो अगले दिन 110% कूड़ा होता है। फोटो खींच के सोशल मीडिया पे हम लोग डालते हैं कि सफाई नहीं है, और सफाई करके जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स डाल के फोटो डाल दी जाती है कि सफाई कर दी गई है, लेकिन वस्तु स्थिति इससे एकदम उलट है। सदर बाजार में गंदगी ही गंदगी है, और जब तक प्रशासन सुचारू रूप से इस कार्य को सीरियसली लेके सफाई नहीं करेगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं। सर क्या नाम है? मेरा नाम दीपक मित्तल है और मैं कोषाध्यक्ष हूँ सदर बाजार फेडरेशन एसोसिएशन का। तो साहब क्या वजह है सफाई नहीं होती है, किन कारणों से? क्या सफाई ना होने की सबसे बड़ी वजह एंक्रोचमेंट है। एंक्रोचमेंट जब तक हटेगा नहीं, जब तक सफाई हो ही नहीं सकती। पटरी वाले बैठते हैं, सारा कूड़ा, उन्होंने कोई डस्टबिन नहीं रखा हुआ, कोई उन्होंने कूड़ेदान नहीं रखा हुआ, वो जो भी उनकी पनियां होती हैं, जो भी उनकी थैली होती है, वो सब वहीं बैठे रहते हैं और वहीं फेंकते रहते हैं। सफाई कर्मचारी जितनी मर्जी सफाई करा जाए, लेकिन जब तक उस पर कूड़ा डलता रहेगा तो सफाई रह ही नहीं सकती। उनका कहना है कि सफाई कर्मचारी काम करते हैं लेकिन पूरे तरीके से नहीं हो पाती है। मेरे साथ और इनसे बात कर सकते हैं राकेश यादव, प्रेजेंट फेडरेशन ऑफ सदर बाजार। देखिए ऐसा हालात क्यों है यहाँ? देखिए मैं समझता हूँ कि जो प्रशासन है
एमसीडी का, दिल्ली सरकार का, केंद्र सरकार का, उससे कब्जा माफिया ने कर दिया। जेल पत्रों का माफिया, पट्टी माफिया, गंदगी माफिया, जल माफिया, सब लोगों ने इतना कब्जा कर लिया और उन्होंने इस तरीके से उनको खरीद लिया कि वो हमारी बात को सुनने का प्रयास ही नहीं करते। जब हम मीडिया के थ्रू पत्र के द्वारा या मीटिंग के अंदर जब उनसे बात करते हैं तो 2-4-6 दिन थोड़ा सा लगता है कि कार्य करना शुरू किया, लेकिन उनकी आदत में, उनकी नेचर में शुमार नहीं है कि उनकी तनख्वाहें जो मिलती हैं वो इस बात की मिलती है कि अपने कार्य पूरी तरीके से करें, वो करने को तैयार ही नहीं होते हैं। यहाँ देखिए गंदगी का माहौल ये है कि यहाँ पर कूड़े के ढेर हैं, उनका तर्क ये होता है कि 5 बजे पट्टी लग जाती है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, हमारी व्यापारी संघ ने और महासा ने हाई कोर्ट में केस किया और उन्होंने कहा सदर बाजार एक नॉन हॉकिंग नॉन डिस्ट्रिक्ट जोन है। या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट 2 SHO का एनसीडी कमिश्नर के ऊपर कंटेम्प्ट लगे, जिस टाइम डेट आती है कोर्ट के अंदर उस टाइम भी सारी कार्रवाई होती है, हमसे रिपोर्ट मांगी जाती है, हम कहते हैं तो ठीक है एक्शन टेकन रिपोर्ट पर, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही गंदगी का माहौल, वही पट्टी, वही सब कुछ। आखिर सदर बाजार करेगी, हमने 2 दिन धरना दिया यहाँ पर, सारे ऑफिसर ने हमें बुलाया पूरा एक एक पॉइंट पर, मैं और परमजीत सिंह पम्मा जी और हमारे सभी महामंत्री साहिबान हमारे साथ थे, हमने एक एक पॉइंट पर उनको पिक्चर दिखाया कि साहब ये पोजिशन है, हमारा व्यापारी बीमार है, हमारे जो जो एम्प्लॉयज हैं वो हमारे यहाँ नौकरी करने को तैयार नहीं, पहले तो हमारे बच्चे आने को तैयार नहीं थे यहाँ पर, अब हमारे एम्प्लॉय क्योंकि यहाँ पर बीमार पड़ जाते हैं, वो अस्पतालों में उनके जो मेडिकल बिल कौन देगा, पूरा पूरा दिन लग जाता है। आज हमारी दुकानों पर अगर 5 आदमी का हिसाब है, 2 लड़के 3 लड़के हॉस्पिटल में क्योंकि बीमारी की जड़ है। सरकार हादसों का इंतजार कर, हादसे होंगे, सरकार कहती है हमारे पास, दिल्ली सरकार भी कहती है हमारे पैसा बहुत है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हमारे पास पैसा बहुत है, एनसीडी कहती है पैसा बहुत है, हमारे सब लोग पैसा है, लेकिन वो हादसों पर पैसा खर्च करते हैं, हादसे ना हो इस सिस्टम पर पैसा नहीं खर्च करते। हमारी बैठी हर तरीके से तैयार है, मैंने कहा हमारे व्यापारी डिब्बा रखे हुए हैं, कोई कूड़ा करके नहीं जाते, लेकिन जो अगर पटरी वाले या सिस्टम में अगर पटरी होगा तो हमारा दुकानदार तो कूड़ा नहीं उठाएगा ना, ये काम तो एनसीडी का काम है, किस बात की तनख्वाह लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एनसीडी के जो ऑफिसर हैं वो बिल्कुल नेताओं की तरह खड़े होते हैं और उन्होंने बिहारी लड़के यहाँ पर अपने अंडर में रखे हुए हैं, उनसे सफाई करवाते हैं, वो जब करा तो करा, नहीं तो भाग गए। कोई सिस्टम नहीं है, अगर सिस्टम नहीं बना मैं एनसीडी कमीशन से मिलूंगा उनसे, अगर उन्होंने नहीं बात मानी तो हमारे सदर बाजार अपनी दुकानों की चाबी एनसीडी कमीशन को देगा कि आप ये मान चुके हैं कि व्यापारी अब कटोरा ले, हम आत्महत्या नहीं करेंगे जी, हम नागरिक व्यापारी लेकर अपनी दुकानों की चाबी लेकर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग जरूर करेंगे। सर आने वाले समय में पूरा त्योहारी सीजन है, मुख्यतः सीजन को लेकर के यहाँ पे काफी रस। देखिए सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने भी ऐलान किया था घर घर तिरंगा दुकान दुकान तिरंगा, इस बार तिरंगे का सीजन इतना पिटा है, रखड़ी का सीजन इतना पिटा है कि व्यापारी यहाँ पर आकर खुश ही नहीं हुआ। कोई भी व्यापारी आप देख लीजिए, सिर्फ रश ही रश नजर आ रहा है, ना ट्रैफिक पुलिस नजर आ रही है, ना कुछ आ रहा है। सिर्फ कारण क्या है, यहाँ पर व्यापारियों को सिर्फ ठगने के लिए बैठे। मैं कहता हूँ मेयर साहिबा को अभी तक कान नहीं खुले, इतना सदर बाजार के व्यापारियों ने चीखा, इतना सदर बाजार के व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन दिए, एक सुध लेने मेयर साहब नहीं आ सकी। क्या यहाँ पर वेट कर रही है किसी चीज का, यहाँ पर क्या वो राजनीति करने आएंगी जब कुछ होगा? नहीं, मेयर साहब अगर नहीं कर सकते तो मैं कहूंगा ये एमसीडी बंद कर देनी चाहिए, ऐसी एमसीडी का हमें कोई फायदा नहीं है, ये एमसीडी करप्ट हो चुकी है, ये एमसीडी लोगों को ठगने के लिए हो चुकी है, ये एमसीडी लोगों को परेशान करने के लिए हो चुकी है। इसका एक ही काम रह गया है कि सिर्फ आम लोगों को परेशान कर रहा है, आम लोगों को ठगना और सफाई के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। आज जिस प्रकार के दिल्ली के हालात खड़े कर दिए एमसीडी ने, ये समझ लो हर बंदा अपने आप को जगह समझ रहा है। और मेयर साहब जो इतने दावे ठोकती थी कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, आज एक बार भी बता दे चंद्र बाजार में आके इन्होंने देखा कि व्यापारी की क्या हालत है, क्या व्यापारी का दर्द दर्द नहीं है? व्यापारी आज तक चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, सिर्फ व्यापारी से टैक्स लेने के लिए आप लोग हो, व्यापारी से सिर्फ ये चीज है कि कोई काम करे कुछ करे उसे टैक्स ले लो, मगर उसके हालात को मत जानो। ये हालात जो है हम मेयर साहब का भी घेराव करेंगे और उनके खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। लगता है ये जान बूझ के बनाया जा रहा है ये हालात, बिल्कुल, क्योंकि इनके ये देखिए इनके जो है कर्मचारी जो है हमें परेशान कर रहे हैं। ये दिल्ली सरकार अब देखिए ना, पहले केजरीवाल साहब कहते थे कि हमें एमसीडी मिल जाए एमसीडी मिल जाए, अब एमसीडी भी उनके पास है, जल बोर्ड भी उनके पास है, नगर निगम भी उनके पास है, काम कहाँ रुक रहा है? अगर कहीं काम रुक रहा है तो हमें बताएं, हम वहां पर शोर शराबा डालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे।
मगर एक बात बताइए, दिल्ली की मंत्री आई एक धरना देके 24 घंटे में वो बैठ गई, मगर दिल्ली के सदर बाजार के लोगों का दर्द नजर नहीं आया उनको, उनके लिए धरने के लिए नहीं आ सकी, उनकी आवाज सुनने के लिए नहीं आ सकी। क्यों? क्योंकि व्यापारी जो है अनाथ है, व्यापारी का कोई वारिस नहीं है, व्यापारी को यह समझा जाता है इसको लाठी मारो और दूध चलो, ये कैसी गाय है। मगर आज व्यापारी जाग चुका है, व्यापारी को अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा और आने वाले समय में व्यापारी चुप नहीं बैठेगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, अपनी गद्दी को बचाने के लिए, अपनी दुकानों को बचाने के लिए हम हर हड़कंडा अपनाएंगे, चाहे हमें किसी का भी घेराव करना पड़े। तो ये था व्यापारियों जो आते हैं कितना नाराज है दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड और नगर निगम से। आनंद कुमार, सदर बाजार, दिल्ली तक।